हेलो गाइस, स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। कल अपने एक भाई सब्सक्राइबर ने बेला का एक और गाना आई एम द किड सजेस्ट किया रिएक्शन के लिए, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। तो है तो गाना पुराना, एक साल पुराना गाना है, पर मैंने नहीं सुना है। तो आई थॉट कि अगर मैं सुनूंगा तो आप लोगों के साथ ही सुनूंगा। तो रिएक्शन पे जाने से पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे रिएक्शन आपके लिए आते रहे। चलो सुनते हैं आई एम द किड बाय बेला फ्रॉम लुधियाना। मैं भी फ्रॉम लुधियाना, आई एम अ किड। पहनू महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है। मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है। पहनू 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 महंगे महंगे कपड़े, इन आँखों में नशा मेरा दिखता है। मेरी पंती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है। शायद मेरे अंदर कलाकार जो मेरे बाप ने पहचाना नहीं। 9:30 के बाद घर पे गाने वाने गाना नहीं, मुझसे पैसे लेके किसी स्टूडियो में जाइयो मत बेटा, ऐसी चीजों को कभी दिल से लगाना नहीं। म्यूजिक क्या ही देगा अब मैं खेलूं लाखों में, कल मैं गलियों में था बड़े सितारों में। पापा मुश्किल है अकेले सब कुछ हासिल करना, तेरा लड़का हीरा पहनेगा किताबों से। जब मैं गिरा तो कोई साथ देने वाला नहीं, जैसे भी हालात मैंने मुश्किलों को टाला नहीं। जीना तो जिंदगी सिखा देती है, अब मैं जैसा भी हूँ एवरीबॉडी नोज मी के पहनूं। अब मैं महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है। मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है। पहनू पहनू अब मैं महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है। मेरी पंती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है। शायद मेरे ऊपर जिम्मेदारियां, शायद मेरे अंदर पाप है। मेरी कलम ये है वान और आजाद है, शायद मेरे अंदर थोड़ा सा इंसान है जिसने जिंदा रखे मेरे सारे ख्वाब है। अब मैं थोड़ा थोड़ा जी लेता हूँ, गम हो या खुशी पी लेता हूँ। मैं बस दुआ करूँ सगे बचे रहे, बाकी सभी खींचने में लगे रहे। कभी नीचे कभी फोटो मेरी बिचेस, मैं बस तोलूं फिर मैं तोड़ूं हर दिन खुद की लिमिट्स। साइको करता मल्टीप्लाई डिजिट्स, हर दिन कहता मेरा जानवर है बेला, गेट अप गो एंड किल हिम। अब घर में म्यूजिक बजता है 9:30 या 2:45, किसको फर्क पड़ता है। अपना हर एक दिन कलाकारों में गुजरता है, सबको साथ लेके चलने वाला ही उभरता है। फैक्ट्स उम्र सबक देती है, जिसमें कला जितनी ज्यादा उसको घमंड देती है। जिसमें जितनी ज्यादा क्षमता उससे ज्यादा छीनेगी, मगर सच्चे रहने वालों को ये सबर देती है। तो सबर रख, अब स्टार्स लिखे दिए मैं वो सब। I'm gaining power, मुझ पे सबका ट्रस्ट, मैं सबसे ऊपर रखा अपना टर्फ, the only one above। पहनूं अब मैं महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है। मेरी पंती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है। पहनूं पहनूं अब मैं महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है। मेरी पंती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है। उसे मेरे अंदर डेडिकेट किया गया है गाना ये मेरे हिसाब से। तो अपने फादर का उन्होंने कमेंट भी डाला नीचे, आई लव यू डैड करके। तो बहुत ही मस्त राइटिंग है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इनकी आवाज़ में जो क्लैरिटी है, इनके वर्ड्स में जो क्लैरिटी है, डिक्शन में जो क्लैरिटी है, वो इनके रैप को एक सॉन्ग में कन्वर्ट कर देती है और समझ आना बहुत ईजी हो जाता है। ये चीज़ हनी सिंह में थी, है एक्चुअली ये चीज़ हनी सिंह में है। उनका रैप इतना क्लियर होता है ना कि आपके मुंह पे 2-3 बार आप सुनोगे आपके मुंह पे चढ़ जाता है और फिर वो आपके दिमाग में हमेशा रहता है। नहीं यकीन तो अभी सोच के देख लो, हनी सिंह जैसे ही नाम आएगा, ब्राउन कुड़ी और सारे उनके रैप, अंग्रेजी बीट सारे रैप याद आ जाते हैं और आप सारे उनके लिरिक्स आपके दिमाग में होंगे। तो वही खासियत है बेला में। मुझे लग रहा है कि अगर इनको चांस मिले, इनके साथ प्रॉपर टीम और अच्छी जुड़ जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मज़ा आ गया गाना सुन के। ऐसा और कोई भी गाना है तो मुझे बता दो भाई, मज़ा आ गया गाना सुन के। थैंक यू।